तो गाइस मेरा नाम है ओम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गॉड ऑफ हेल गेमिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ टिकटॉक हैक्स को ट्राई। तो आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं दिवाली स्पेशल, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला वीडियो में सबसे पहला हैक वो मैं बनाने वाला हूँ। तो इस हैक के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और मैंने अपने भाई का माइक बंद करवा दिया है क्योंकि वो बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा सभी से। तो समझ लो कि अब इस वीडियो में, आज की वीडियो में कुछ नहीं बोलने वाला। तो कुछ बोलेगा मीन पॉइंट के बारे में, वो सिर्फ बोल सकता है कि उसे कितना पॉइंट देना है, सिर्फ वही बोलेगा और उसके बदले वो कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको एक यहाँ पे डिस्पेंसर लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑब्सीडियन लगा देने हैं और चार ऑब्सीडियन लगा देने हैं और इस तरफ भी आपको तीन ऑब्सीडियन इस तरफ से भी लगा देने हैं। और तीन ऑब्सीडियन लगाने के बाद आपको एक डिस्पेंसर लगा देना है। और मुझे थोड़ा याद करने दो, हाँ मुझे याद आ गया, मुझे एक और ऑब्सीडियन जो है आपको इस तरफ से लगा देना है। और आपको एक कनेक्शन बनाना है जो कि रेजिस्टेंस से होगा, और उस रेजिस्टेंस से आपको कनेक्शन जो नीचे लेके जाना है। तो नीचे आपको पूरा जोड़ के आपको एक नीचे लेके जाना है कनेक्शन, और वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस बटन लगा देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद आपको एक स्टेयर चाहिए, मैं लाइटर चाहिए, और लाइटर को आपको यहाँ पे लगा देना है जैसे कि मैं, अच्छा यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको इसे डिस्पेंसर के ऊपर लगा देना है। तो आप क्राउच हो जाइएगा और डिस्पेंसर के ऊपर इसे लगा दीजिए जैसे कि मैंने लगाया है। और उसके बाद आपको करना ये होगा कि आपको पानी की बकेट चाहिए, और पानी की बकेट को यहाँ पर लगाना जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल यहाँ पर लगा दीजिएगा पानी की बकेट को। और उसके बाद आपको करना ये होगा कि आपको इस डिस्पेंसर को भी इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, आई मीन जैसे कि मैंने नीचे कनेक्ट किया है वैसे कि आपको इस डिस्पेंसर को कनेक्ट करना पड़ेगा एक बटन से, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और पता नहीं मेरा भाई यहाँ से क्यों नहीं हट रहा है। और यहाँ एक और डिस्पेंसर, और यहाँ में आपको यहाँ पे ओक का बटन लगा देना है, फिर कोई सा भी बटन आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए TNT, तो TNT मैंने अपने भाई को बोला है, तो पता नहीं वो रखा है कि नहीं रखा, अच्छा उसने रख दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे कोई फटाका फोड़ रहा है, मैं मेरा मन कर रहा है उसके घर में जाके मैं सिलेंडर फोड़ दूँ। और आप लोग अब देखिएगा भाई इस मैं विलेज का क्या हल करने वाला, बस आप लोग देखिए यार मेरा TNT ये क्या हो गया, मेरा TNT खुश हो गया यार। अबे यार ये मैं तो इसे बहुत बार ट्राई किया यार, ये क्या हो गया। तो अब बता तू इसे कितने नंबर देगा। अच्छा तूने इसे दो नंबर दिए, कोई बात नहीं, मैंने तो इसे तीन नंबर दिए क्योंकि मैंने इसे बनाया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक हैक की तरफ। तो जो दूसरा टिकटॉक हैक है वो मेरा भाई बनाने वाला है, तो इसमें भी ये कुछ नहीं बोलने वाला जैसे कि मैंने आपको बोल चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको बोल दिया हूँ। तो इसमें पता नहीं ये क्या बनाने वाला है, तो इसने कहा है कि ये कुछ अच्छा ही बनाने वाला, देखते हैं ये क्या बनाने वाला है। तो इसने एक डिस्पेंसर को नीचे की तरफ फेस किया और इसको एक और उसको उसके ऊपर फेस किया, और ये उड़ के क्या कोशिश कर रहा है करने का पता नहीं क्या कर रहा है। और फिर इसने यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा दिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दिया, आखिर ये करने का कोशिश क्या कर रहा है भाई, करना क्या चाहते हो तुम। इसने एक डिस्पेंसर ऊपर की तरफ से लगा दिया और ये मुझे बोल रहा है कि बस सब्र करो, पता नहीं ये क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है वहाँ से। तो अब पता नहीं ये क्या करने, मुझे बोल रहा है कि इसके अंदर ये कपड़ा रखने वाला है, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक वो जो कपड़ा नहीं होता है अपने आप आपके पूरे बॉडी में कपड़ा कवच पहना देता है, तो आर्मर स्टैंड मुझे लग रहा है, आर्मर जो आपको बोलते हैं भाई मुझे याद नहीं आता, कॉमेंट सेक्शन में बताओ इसे क्या बोलते हैं। और भाई ये अब इसके अंदर क्या कर रहा है, अच्छा इसका जूता उसके अंदर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए ये नीचे का तोड़ के जूता लगा दिया क्या। एक मिनट मैं देखता हूँ यार, अच्छा तूने जूता भी लगा दिया, तो एक काम कर ऊपर अब देखते हैं भाई क्या होने वाला। ओ भाई साहब यार इतना सिंपल यार, एकदम मस्त यार, यार ये तो सर्वाइवल में बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप चाहते हैं कि हम सर्वाइवल बनाएं तो जल्दी से बताइए, मेरी तरफ से 10 और मेरे भाई की तरफ से भी 10 है। तो गाइस जो दूसरा टिकटॉक हैक है वो है मेरा, और आपको तो पता है कि अभी दिवाली चल रही है, तो मुझे तो भाई कुछ भी करके इस वाले विलेज को फोड़ना है क्योंकि दिवाली में बिना फोड़े आनंद नहीं मिलता। पर हाँ सिर्फ गेम में फोड़ना, असलियत में फटाके मत फोड़ना इस बार, ठीक है ना, मैं भी नहीं फोड़ रहा। तो यहाँ पे आपको सब तो ऐसे डिस्पेंसर लगा देना जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद हाँ तू वाह भाई साहब यार अच्छा काम कर रहा है, एक काम कर पूरा यहाँ से उड़ सा दे। और आपको आपको करना ये है आपको चारों के ऊपर रेजिस्टोन लगा देना जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, कनेक्ट कर देना है सबको एक दूसरे से, और आपको सारे डिस्पेंसर के अंदर TNT भर देने हैं।
जैसे कि मैं भर रहा हूँ TNT, तो यही हमारे माइनक्राफ्ट के फटाके, जिसे आप लोग क्रैकर्स भी कर सकते हैं। तो आपको हर एक डिस्पेंसर के अंदर एक एक, ये क्या कर दिया तूने अबे यार, क्यों बर्बाद कर दिया, मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। अरे यार ये क्यों कर दिया तूने, अब देख यहाँ से क्या कर दिया है, पूरा कनेक्शन तूने तोड़ दिया, कोई काम तुझसे ठीक से नहीं होता है, अब मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। तू एक बार बता, तू नीचे से क्यों बिल्ड कर रहा है यार, मैं कर रहा हूँ ना, तू जा मैं कर रहा हूँ यार, कुछ दिमाग ही नहीं है, ऐसे भी तो कर सकता था, अब पता नहीं इसका दिमाग कब इसको आएगा। तो फिर से मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, पर पता नहीं आप लोग ऊपर में कैसे ब्लॉक करेंगे, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। और अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किस वाले डिस्पेंसर में TNT नहीं रखा था यार, किस वाले डिस्पेंसर में था, अच्छा उस वाले डिस्पेंसर में, ठीक है हाँ इसमें था, इसमें रख दिया। और यहाँ पे आपको बीच में पूरा कनेक्शन कर देना है, और जैसे कि आप यहाँ पे रेडस्टोन लगाइएगा, रेडस्टोन टॉर्च, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे दिवाली होने वाला है, दिवाली भाई, रॉकेट चकली सब फूट जाता है यार भाई, एकदम मज़ा आ जाता है। और भाई अगर आपको इसको फिर से ट्राई करना है, कि फिर से आप बस सोचेंगे कैसे इसको फिर से बनाएं, तो आपको इसे करने के लिए सबसे पहले फिर से आपको उसी जगह जहाँ पे आपने लगाया है उसे तोड़ना पड़ेगा, वहाँ से उस टॉर्च को वहाँ पे फिर से उसी टॉर्च को लगा देना है, नया टॉर्च को, तो आप वही टॉर्च को भी रिपीट कर सकते हो भाई, ये एकदम उसे मस्त। तो मेरे तरफ से तो भाई इसे 10 में से भाई 10 नंबर मिलेंगे, और मेरे भाई ने भाई इसे कुछ कम नंबर दिए हैं, वो है 8, पता नहीं इसने उसे 8 नंबर क्यों दिए, पर कोई बात नहीं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक हैक की तरफ। तो जो भाई नेक्स्ट टिकटॉक हैक है वो मेरा भाई बनाने वाला है, तो भाई उसके लिए सबसे पहले इसने मुझे पता नहीं ये कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया है, और भाई ये बता रहा है कि ये मुझे ट्रोल करने के लिए कुछ बनाने वाला है, तो देखते हैं भाई ये क्या बनाने वाला है, बस भाई देखते हैं इसे क्या बनाने वाला है। तो भाई मुझे लग रहा है कि ये कुछ गड्ढा बना रहा है, मुझे इसके अंदर फंसाना चाहते हो क्या, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है गड्ढा बना रहा है या फिर कोई कवर बना रहा है मेरे लिए यार। तो भाई मुझे बाद में पता चला कि इसने यहाँ पे सैंडस्टोन लगा दिया है, सोल सैंड लगा दिया है, और ये अब बोल रहा है कि इसके ऊपर लिफ्ट बनाया है। अगर आपको लिफ्ट नहीं पता कैसे बनाया जाता है, तो जाके मेरे पिछले वीडियो चेक करिए, मैंने एक वीडियो में लिफ्ट बनाने का बताया है विदाउट कैल्फ, तो जाके आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने लिप टाइप का बना दिया है, तो भाई क्या यही ट्रोल है क्या, अच्छा नहीं भाई साइड से बोल रहा है कि नहीं ये ट्रोल नहीं है। और भाई फिर से मेरे पीछे किसी ने फटाखा फोड़ा, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार उसके घर में जाके मैं सिलेंडर फोड़ दूंगा, सच में बोल रहा हूँ। और भाई यही ट्रोल है क्या, ये क्या ट्रोल बना के रख दिया तूने, और ये ट्रोल आखिर में है क्या यार। और अच्छा तू इसके ऊपर इसने वेब के कॉबवेब लगा रहा है ये, अच्छा कॉबवेब लगाने से ये रुक तो गया, पर ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है यार, यही ये थोड़ा सा इसका ये है क्या बोलते हैं इसे डिसएडवांटेज है, ये कोई काम नहीं कर रहा यार, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर भाई काम ऐसा कर रहा, बचाओ मैं फंस गया हूँ भाई, चल निकल मैं तो क्रिएटिव में हूँ भाई, मैं इसे 8, मेरा भाई इसने इसे 8 दिया है, पर मैं इसे 7 देने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये मुझे पता चल चुका है, क्योंकि अब मैं इसमें कभी फंसने वाला नहीं हूँ। और भाई तूने कोशिश तो अच्छी की पर मुझे बता दिया, चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक हैक की तरफ। तो गाइस जो लास्ट टिकटॉक हैक है वो बनाने वाला हूँ मैं, तो ये लास्ट टिकटॉक हैक है। अब सोचो कि आप भाई बड़े दूर, अरे यार सही जगह, अरे यार सही जगह लग जा, अच्छा मैं ही से तोड़ देता हूँ, तू पीछे चल जा। तो गाइस एक बात सोचो कि आप कहीं से दूर से लड़ाई करके आ रहे हैं, या कहीं दूर से घूम के आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करिएगा, तो वहाँ पे आपको रिलैक्स करना होगा। तो मैं यहाँ पे रिलैक्सिंग का चेंबर बना रहा हूँ, जिसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आप लोगों के लिए, तो आप लोग बोल जाएंगे। तो आपको करना है यहाँ पे एक जगह छोड़ना है, वहाँ पे आपको रियल माइंड कार्ट लगाना है, वहाँ पे फिर किसी ने फटाका फटा, मैं सच में बोल रहा हूँ उसे बहुत मानूंगा। उसके बाद आपको करना यहाँ पे है कि आपको एक पिस्टन जो है इस वाले के एक ब्लॉक छोड़ के एक पीछे में जो है एक पिस्टन लगा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन लगाने के बाद आपको करना ये है, सबसे पहले मैं तो भूल ही गया, यहाँ पे नीचे वाले इस माइनक्राफ्ट जो है इसके नीचे में जहाँ पर रेल लगाया था उसको आपको उसका रेल तोड़ना होगा। तो रेल यहाँ, अरे यार मैं इस पर चढ़ क्यों गया यार, मैं इस पे ऊपर चढ़ क्यों गया। और वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे स्लैब लगा देना है, अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट पहले मैं इसे तोड़ लेता हूँ, एक मिनट, अरे यार टूट जा यार, क्यों इतना भाव खा रहा है, यस टूट जा।
तो गाइस आखिरकार मैंने उसे तोड़ ही लिया। और भाई अब आपको करना ये होगा कि आपको एक स्टेयर जो है इसी डायरेक्शन में करके आपको यहाँ पे लगा देना है, जैसे कि मैं लगा दिया, और पीछे से रेडस्टोन को आपको एक्टिवेट कर देना है। और फिर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आई मीन माइंड कार्ड उसके अंदर घुस चुका है। और इसके अंदर आपको ऐसे आप चाहें तो इसके स्लैब लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है, मेरे भाई ने लगाया है। तो आप इसके अंदर पूरा पानी लगा दें, पर ये बात ध्यान रखिएगा कि माइंड कार्ड के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। माइंड कार्ड के अंदर पानी गया तो आपको फिर से सब कुछ को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से सब कुछ को लगाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग पानी रख देते हैं। और भाई एकदम रिलैक्सिंग चैम्बर बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और भाई अब मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ चल इसके अंदर के बैठ। आप देख सकते हैं लड़ के आया हुआ इंसान इसके अंदर भाई एकदम आराम से स्विमिंग पूल के अंदर। भाई मेरे तरफ से तो इसको 10/10 है यार, और मेरे भाई ने भी इसे 10/10 दे दिया है। ओ भाई, तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो चैलेंज है वो मैं जीत चुका हूँ। और मैं और मेरा भाई आप लोगों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहते हैं, तो विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। और एक और बात है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट में जाके लिखना है कि आई हैव लाइक्ड एंड शाउट आउट मी। तो भाई आप लोगों को मेरे वीडियो में एक शाउट आउट मिलने वाला है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में या वीडियो के अंत में या वीडियो के बीच में कहीं भी आप लोगों को शाउट आउट मिल सकता है। तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, बाय बाय।